नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी है और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने आज सरकार पर कई तीखे आरोप लगाए और ये कहा कि राज्यपाल का जो अभिभाषण है उसमें सिर्फ और सिर्फ भविष्य की बात की गई है कि ऐसा होगा तो ऐसा कर देंगे, प्रस्तावित है। ये बातें उन्होंने उस समय कहीं और जिसको कहें सदन में, जब बीजेपी के नेता ये दावे कर रहे थे कि उनकी सरकार ने पिछले एक साल में काफ़ी कुछ काम किया है, परंतु नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ का कहना ये था कि जो कुछ भी नज़र आ रहा है अभिभाषण में वो सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि प्रस्तावित बातें कही गई हैं, भविष्य की बातें कही गई हैं, एक साल में क्या हुआ है वो सरकार ने नहीं बताया है। कोरोना के मामले में भी उन्होंने ये कहा कि जो इंतजामात या जो तैयारी उनकी थी उस समय मुख्यमंत्री रहते हुए, बस उसी को सरकार ने फॉलो किया है, कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे कोरोना जिसको कहें काबू में आता। मध्यप्रदेश विधानसभा में आज कमलनाथ का भाषण इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा कि उन्होंने आरोप प्रत्यारोप से परे हटकर एक बात साफ तौर पर कही कि वे चाहते हैं कि आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, परंतु प्रदेश का विकास हो और दोनों दल, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, कोई भी सत्ता में बैठे पर वो इस बात पर ध्यान दे कि प्रदेश के बेरोजगारों के लिए सरकार क्या कर रही है, प्रदेशवासियों के लिए क्या कर रही है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज कमलनाथ जी इतने संजीदा क्यों नज़र आए और उसका बीजेपी पर क्या असर हुआ। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात बीजेपी की करूं, बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं और एपीडा के प्रमुख सदस्य हैं वे, सो यहां पर बीजेपी का भी पक्ष रखेंगे और साथ साथ हमें ये भी बताएंगे कि बीजेपी पर ये जो हमले हुए हैं नेता प्रतिपक्ष की तरफ से वो कितने संजीदा उनके हिसाब से हैं। बात अगर मैं स्वतंत्र पत्रकार के रूप में करूँ तो सतीश सक्सेना जी हैं, तो वे निष्पक्ष तौर पर अपनी राय रखेंगे कि सदन में जो कुछ आज दिखा उसके क्या मायने हैं। सबसे पहला सवाल आपसे यहाँ चेतन जी, कि जो हालात नज़र आ रहे हैं, कांग्रेस बड़ी जिसको कहें निरी लुटी पिटी स्थिति में है, तब से जबकि उनकी पिछले साल सरकार गई और उसके बाद उपचुनाव भी हार गई, अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में आज कमलनाथ जी ने जो बातें कही हैं उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए प्रकाश जी, सदन में नेता प्रतिपक्ष का काम है सरकार को घेरना, सरकार की जो कमियां हैं, जो खामियां हैं उसको गिनाना, और मुझे लगता है कि कमलनाथ जी एक अनुभवी नेता हैं, वर्षों का उनका अपना अनुभव, और एक अच्छी बात यह भी है कि वे स्वयं इस सरकार में मुख्यमंत्री रह चुके हैं 15-16 माह के, तो सारी परिस्थितियों से वे वाकिफ हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी कम सोर्स के माध्यम से किस तरह से इस प्रदेश को हमने खड़ा किया, किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बचाया है, ये हम सबके सामने है। इसको लेकर के शायद कमलनाथ जी भी संतुष्ट होंगे कि जिस प्रकार से संक्रमण का जो दौर चल रहा था उस भरे दौर में भी हमने मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के नागरिकों को स्वास्थ्य को लेकर के कहीं भी अपवाद स्वरूप इक्के दुक्के मामले हो सकते हैं लेकिन कहीं भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दी। सरकार ने उनके हर तरह से इलाज से लेकर के रहने की खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं की। वहीं कोरोना के काल में जब हमारे पास रेवेन्यू नहीं के बराबर आ रहा था तब भी हमने जो गरीबों की जन कल्याण योजनाएँ, जो स्वयं कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए संबल योजनाओं में सारी योजनाओं को बंद कर दिया था, इन सारी योजनाओं को चालू करते हुए हमने मध्य प्रदेश की गरीब जनता पर फोकस रखा क्योंकि वे हमारे अपने हैं। अगर गरीब जनता का पेट नहीं भरेगा, अगर उनके चूल्हे नहीं जलेंगे, अगर उनके बच्चे अगर खुशियों के साथ अपना घर परिवार में कोई त्यौहार नहीं मना सकेंगे तो निश्चित रूप से ऐसी खुशी किस काम की जहाँ पर आधे अधूरे मन से लोग रहते हैं। इन सारी बातों पर फोकस करते हुए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बेहतर तरीके से अपने मैनेजमेंट के माध्यम से, अपने कार्यकौशल से, अपने अनुभव के माध्यम से और सरकार में बहुत कम हैंड्स होते हुए भी इन सारे लोगों को समायोजित करते हुए एक बेहतर काम करते हुए एक बेहतर भविष्य बनाने की हम सब ने मिलकर के कोशिश की। कमलनाथ जी को मैं फिर से कहूँगा अच्छा काम करना चाहिए और उनका तो काम है सरकार को आईना दिखाते रहना, और जितना मजबूत प्रतिपक्ष होगा उतना ही जनता के हितों का संरक्षण भी होगा। आज कमलनाथ जी ने जिस तरीके से बातें उठाई हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा सत्ता में हम रहें या आप रहें, बात प्रदेश के विकास की है, बात प्रदेश के उन
बेरोजगार लोगों की है जिन्हें रोजगार देना है, या मध्य प्रदेश के लोगों को कैसे रोजगार में अग्रणी रखा जाए, कैसे उनको सशक्त बनाया जाए, इस बात पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा किसानों के लिए तो है ही है जो कुछ हो रहा है, पर जो और बाकी का तबका है, जिससे कितना आपने साल भर में निवेश लाए वो आप बता दें, आपने कौन सा ऐसा काम किया कि जिससे कितने लोगों को रोज़गार मिल गया है ये बता दें, तो ये तो सीधे सीधे आपकी सरकार को कटघरे में तो खड़ा किया ही, आपसे पूछा भी, पर अब उसका जवाब कैसे आएगा। देखिए प्रकाश जी, अगर कमलनाथ जी कहते हैं कि हम विकास पर बात करें, विकास के मुद्दे पर वे कंधे से कंधा मिला करके साथ चलने को तैयार हैं, मुझे लगता है सकारात्मक विपक्ष की भूमिका का उन्होंने निर्वहन किया है, इसको लेकर के कोई संशय नहीं है। लेकिन जिन बातों को लेकर के उन्होंने अपनी बातें आज विधानसभा में रखी, युवाओं को रोजगार को लेकर के, आपने तो बेरोजगारी भत्ते का घोषणा पत्र में जिक्र किया था, आपने नहीं दिया, लेकिन हम रोजगार भी देंगे और संभवतः हम बेरोजगारी भत्ता भी प्रारंभ करने की स्थिति में आते, उसको भी प्रारंभ करेंगे। और ये सर्वविदित है प्रकाश जी, इस साल में, इस पूरे 12 महीने में कोई भी इस तरह का बाहर का निवेश नहीं आया है जिसको लेकर के हम कह सके कि नहीं हम इस प्रकार से बाहर का निवेश लाएं जिससे रोजगार। निवेश नहीं आया, पर बात प्रदेश के लोगों को रोजगार देने की है, सवाल उनको सशक्त बनाने है ना, वो किया ना प्रकाश जी। अब जो आप देखें, साल भर में कोरोना पीरियड के चलते वैसे ही लोग परेशान थे, आपने बिजली के दाम बढ़ा दिए, सारे जो व्यापारी वर्ग है, जो मतलब एम्प्लॉयर है, वो सब परेशान हुए। इसके बाद मध्य प्रदेश में अगर कोई भी काम शुरू हो रहा है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड कोई काम है, तो आपने मध्य प्रदेश के लोगों को प्राथमिकता नहीं दी, आप बाहर का कोई भी आ गया आपने उसको ज़्यादा महत्व दिया है, ये भी तो सामने दिख रहा है ना। आप में और कमलनाथ जी में कोई चेंज थोड़ी आया है, उनकी सरकार में भी यही गलतियाँ हो रही थी, आप भी वही कर रहे हैं। देखिए प्रकाश जी, हमने गरीब तबके पर हमारा फोकस रखा, रोजगार को लेकर भी रखा, हमने स्ट्रीट वेंडर जो हमारी योजना है ये उसी का परिणाम है। आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो कह रहे आत्मनिर्भर, हमारा किसान आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बने, तो इसीलिए कि कम से कम शहरों में तो थोड़ा बहुत रोजगार मिल जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में विपरीत परिस्थितियां हो जाती, तो हमने कोशिश की है कि हमारा जो रोजगार का जरिया है वो कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में भी। पर मध्य प्रदेश की देखिए, किसानों की बात नहीं, अभी हम शहरी और कस्बाई क्षेत्रों की बात कर रहे हैं जिस पर कमलनाथ जी संजीदा है, उनको अपनी गलती का भी शायद एहसास था, या उनको लगा कि उन्होंने कहा भी बात बात में, ठीक है हमने 15 महीने सरकार कैसे चलाई हम जानते हैं, क्योंकि आपने जिस स्थिति में मध्य प्रदेश को छोड़ा था, पैसा नहीं था मध्य प्रदेश सरकार के पास, पर उन्होंने सरकार चलाई, ठीक है। अब आपके पास है जिम्मेदारी, आपके पास केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी है, पर जो देखने में आया वो ये है कि जो कस्बाई और शहरी क्षेत्रों के लोग हैं उनको रोजगार देने के बजाय आपने रोजगार विहीन कर दिया है कई जगह पर। देखिए प्रकाश जी, अगर हम कहें कि हमने नौकरी के माध्यम से लोगों को रोजगार दिया तो मुझे लगता है कि उसमें वो तो नहीं है, हाँ वो तो बेहतर परिणाम नहीं है, लेकिन छोटे छोटे व्यवसाय के माध्यम से, स्ट्रीट वेंडर के माध्यम से, महिलाओं को स्वरोजगार के माध्यम से हमने रोजगार देने की कोशिश की है। नहीं, उसमें भी सुन लीजिए आप, मैं आपको बता दूं, पीएमओ ने इस बात पर भी गहरी निगाह रखी हुई है कि जो स्ट्रीट वेंडर योजना थी उसमें मध्य प्रदेश ने कैसे काम किया। आपको ये जानकर आश्चर्य हो गया कि पंजाब नेशनल बैंक हो गए या और दूसरे जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, उन बैंकों ने, चाहे यूनियन बैंक हो, चाहे ये पंजाब नेशनल बैंक हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, ऐसी जो बैंक्स हैं, इन्होंने ये कहते हुए ठेले वालों, फेरी वालों को लोन नहीं दिया कि इनका लोन कौन लौटाएगा, जबकि खुद मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ली, अधिकारियों को निर्देश दिया, कलेक्टरों को सीधे सीधे बोला कि भाई इनको लोन मिलना चाहिए। पर हालत ये है कि आज भी बुंदेलखंड की बात कर लें आप, महाकौशल, मालवा, विंध्य की बात कर लें, सब जगह स्ट्रीट वेंडर इसी बात को लेकर परेशान है कि उनके पास फिर से व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसा नहीं है। प्रकाश जी, निसंदेह जो आप विषय रख रहे हैं इसमें कोई संशय नहीं है, अनेक अवसरों पर अनेक बार बैंकों ने इस सारी योजना में ऋण देने से इनकार किया है, लेकिन बाद में चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी का हस्तक्षेप हो, चाहे RBI को, चाहे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का हस्तक्षेप हो, नहीं, बाकी बैंकों ने तो आपको पूरी छूट दे रखी थी। देखिए इसमें केंद्र का कोई गलती नहीं है, उनके पास इफरात में फंड है, उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये हमने पौने 2 लाख करोड़ रुपया, लगभग 2 लाख करोड़ रुपया जारी किया गया था, और वो सिर्फ इसलिए कि इन छोटे लोगों को उससे मदद मिले ताकि वो अपना रोजगार धंधा शुरू कर सकें, पर ऐसा नहीं हुआ है। आप देखेंगे, मैंने 2-3 बैंकों के नाम बताए, अब आप बताइए, यही पंजाब नेशनल बैंक
भोपाल में, यहाँ इनका हेड ऑफिस है, इन्होंने नासा कॉरपोरेशन के नाम पे करोड़ों रुपए जो है वो लोन दे दिया एक ऐसी संस्था को जो इसके लोग फ्रॉड निकले, उनसे वसूली नहीं करा पा रहे, उन पर मतलब जिसको कहें केंद्र की तरफ से भी निर्देश है कि ऐसे लोगों सख्ती से वसूली की जाए, वो नहीं हो रही क्योंकि अधिकारी मिले हुए हैं यहाँ पर। पर आपके लोगों ने, खासतौर पर मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा कि भाई हम बैंकों पे कार्रवाई करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ये बैंक जो हैं वो अपने मस्ती से वैसे ही काम कर रहे हैं, और हमें क्या करना है इनसे। देखिए प्रकाश जी, अगर केंद्र के दिशा निर्देश से और माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वयं इस सारी बातों में दिलचस्पी है कि मध्य प्रदेश के छोटे मोटे रोजगारों को बढ़ावा मिले और उनको अवसर उपलब्ध कराने के लिए बैंकों का एक जरिया होता है, अगर इन परिस्थितियों में भी अगर बैंक अगर सरकार की नहीं सुनेंगे तो मुझे लगता है जो आपने नासा का बताया है इन सारी ही बातों को लेकर के सरकार को सख्त से सख्त रुख अपनाना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को लेकर के बेहद सख्त भी हैं कि बैंक में अगर किसी भी प्रकार के घोटाले आएंगे तो उस घोटाले के यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर देखा हुआ, मेरा देखा हुआ प्रकाश। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ऐसे बड़े बड़े डिफॉल्टर्स के प्रति तो बैंकें बड़ी उदार बनी हुई है, चाहे वो कोल से संबंधित घोटाला, आपको भी पता होगा कि उसमें भी जितने मतलब वो फ्रॉड लोग थे उनके खिलाफ भी बैंक के अफसरों ने खूब जिसको कहें उदारवादी रवैया अपनाया, पर जो बेचारे गरीब लोग हैं उनके लिए कोई देखने वाला नहीं। प्रकाश जी, कैसा रोजगार दे रहे हैं आप? प्रकाश जी, हमारा तो फोकस है गरीबों को रोजगार देना और उनको वित्तीय सहायता मुहैया कराना, लेकिन जिन बातों पर आप प्रकाश डाल रहे हैं कि इन्होंने बड़े संस्थानों के साथ में फ्रॉड किया है, निसंदेह इन्होंने बड़े संस्थानों के बड़े आदमियों के साथ फ्रॉड किया है, और यही तो कारण है कि जो PNB कभी इस देश के नंबर 3 की बैंक हुआ करती थी आज डूबने की कगार पर। तो मुझे लगता है कि सारे अधिकारियों ने जिस प्रकार का एक फर्जी वाड़ा करके एक रैकेट के तरह जो काम किया, यहाँ मान लीजिए यहाँ कोई हेड है, मान लीजिए यहाँ प्रवीण जैन वहाँ उसके हेड है, आपने क्यों नहीं बुला के उनको कार्रवाई कराई? भाई यहाँ के कलेक्टर बुला सकते थे, कमिश्नर बुला सकते थे कि बताइए आपने कितने लोन दिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो डिफॉल्टर लोग थे उनसे कितनी वसूली कराई, क्योंकि CBI में केस दर्ज है, उसके बाद भी हीला हवाली बरती जा रही है। यहाँ जो केस दर्ज हैं उनमें तो आप लोग कार्रवाई कर ही सकते थे, पर वो भी नहीं हो रहा है। BJP के नेता जा रहे हैं तो वो उनको कह देते हैं साहब ये दलाल लोग आ गए, बताइए आप। देखिए प्रकाश जी, मुझे लगता है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस तरह से कहते हैं और हमारा नेता सुन करके आ जाता है तो ये भी ठीक नहीं है कि नेता इन सब भाई क्या करे, वो कह रहे हैं वो ये कह देते हैं कि ये बैंकों वाले चाहे यूनियन बैंक हो, पंजाब हो, ये बाकी के और बैंक मैंने आपको बताए, ये तो बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह ये यही कर रहे हैं सबके सब, पैसे का मिसयूज कर रहे हैं और जो जरूरतमंद है उस तक लोन नहीं पहुंच रहा। जैसे कलेक्टर हुए, कमिश्नर हुए, हमारे संभाग आयुक्त, ये क्या देखते हैं भैया? कुछ नहीं देखते। सरकार की योजनाओं को अगर फॉलो नहीं कर पाते हैं तो ये सरकार इस पर लगाम कसेगी? और निश्चित रूप से ये प्रश्न का बहुत जायज और इसमें सच्चाई, इन सारी बातों का जवाब कहीं ना कहीं सरकार के लोगों को देना पड़ेगा। आपको पता होगा कि अभी पिछले ही महीने मुख्यमंत्री जी ने खुद ही बैठक ली और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव भी मौजूद थे, उनके सामने ये बैंकों का हवाला आया, तब उन्होंने ये चीज़ें कही कि ये बैंकें कर क्या रही हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल एक बार CM ने कह दिया तो फिर बैंक को कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये रोजगार दे रहे हैं क्या सिर्फ कागजों में ही घोषणा चल रही है? प्रकाश जी, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद भी अगर अधिकारियों ने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया जिन बातों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अप्रसन्नता व्यक्त की या कोई दिशा निर्देश दिए, तो ऐसे अधिकारियों पर तो कार्रवाई हम कर ही सकते ना, और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कार्रवाई करेंगे। पर यहाँ ये बात उठ रही है कि मध्य प्रदेश के लोगों का, मध्य प्रदेश के उद्यमियों का आप कितना ख्याल रख रहे हैं? देखिए प्रकाश जी, मध्य प्रदेश में उद्यमी भी बहुत ज्यादा तो नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, तो फिर उनका कितना ख्याल रख रहे हैं, छोटे लोग हैं इन लोगों को, लेकिन मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में उतना विस्तार और विकास नहीं हुआ है जो अन्य जगहों पर हुआ है। अभी बात ये उठ रही है कि जो रोजगार धंधे चल रहे थे वो भी एक तरीके से बंद हो गए। हमारे साथ अभी सतीश सक्सेना जी बैठे, ये जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, ये बता सकते हैं कि कितने समाचार पत्र पत्रिकाएं सिर्फ इसलिए बंद हो गए कि आपकी जो पॉलिसी थी वो कमलनाथ से और भी जानदार शानदार है, या फिर अकेले खाने पीने की है, क्या है वो? पहले सतीश जी से इस पर टिप्पणी ले लेते हैं, बताइए सतीश जी। नहीं, उस सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है, इसमें कोई ना तो शिवराज जी कुछ कर सकते हैं उसमें, और ना मतलब
कोई चीफ सेक्रेटरी कुछ कर सकता, सिस्टम जो है इन्होंने कोलेप्स कर दिया। अब सिस्टम जब कोलेप्स हो जाता है तो उसको फिर पुनः डेवलप करने में बड़ा टाइम लग जाता है। सरकार का उद्देश्य जो है, सरकार ही खुद भटकी हुई है। आप दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, कमलनाथ जी ने ये किया, कमलनाथ जी ने वो किया। भाई आपको एक साल हो गया है यहाँ सरकार में आए हुए, एक साल में आपने 3,500 ट्रांसफ़र कर दिए, क्या ये उद्देश्य है आपका? अब जिस कमलनाथ जी के कार्यकाल में आपने कहा था कि हम संविदा शिक्षकों को जो है सहायक अध्यापकों को हम नियुक्ति देंगे, आज तक आपने एक साल में उनको नियुक्ति नहीं दी। वो प्रोफेसरों का मामला था, आज तक उनका जो है वो निराकरण नहीं किया गया। तो कुल मिला के ये है कि सरकार ये करना क्या चाहती है? और एक साल में आपने यहाँ तक सवाल, जैसे आपने कहा था विकास की बात की गई, विकास की बात छोड़ दीजिए, आप तो कर्जे की बात कीजिए ना। एक साल में आपने 35,000 करोड़ रुपया इस सरकार ने अभी कर्जा ले लिया, उस कर्जे का क्या किया आपने, कौन सा विकास कर दिया? आप ये देखिए, दुर्भाग्य ये देखिए कि राजधानी भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है, इस राजधानी में एक सप्ताह से मध्य प्रदेश की सड़क राजधानी की सड़कों पर बिजली जो है वो ब्लैकआउट चल रहा है, वो सरकार सो रही है। न तो कमिश्नर को ही ध्यान है, न संभाग आयुक्त को ध्यान है, ना मंत्री को ध्यान है, ना मुख्यमंत्री को ध्यान है। उन्होंने MPE वालों ने स्ट्रीट लाइट काट दिए, शायद सरकार सो रही है। उन्होंने चुंगी क्षतिपूर्ति के पैसे नहीं आ रहे हैं, हमारी हालत खस्ता हो गई है, हम इसलिए पेमेंट नहीं कर सकते। तो विकास कौन सा विकास हो रहा है, अब किसको विकास कहेंगे अपन? आपने इसके पहले भी इतने आयोजन किए, विदेश से बुलवाए लोगों को, आए यहाँ कम लगाया कि हम इंदौर में लगाओ और वहाँ लगाओ और रीवा में लगाओ, और अभी ये उत्पादन होगा, फलाना उत्पादन होगा। मुझे बता दीजिए आप, 5 उत्पादन हुए हों, 5 फैक्ट्री मध्य प्रदेश में लग गई हों। तो करनी कथनी में आपका बहुत अंतर है। आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं हो सकता। अब ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, बात की चीज़। अभी शिक्षा विभाग में कितने पद खाली रिक्त पड़े हुए हैं, आप जरा ये देख लीजिए। पुलिस कांस्टेबल की आपने कहा था कि हम भर्ती करने वाले हैं, आज क्या स्थिति बनी है उसकी? आज तक आप उसकी भर्ती नहीं कर सके। सरकार चल के सिस्टम चल रही है, कौन चला रहा है इसको, कैसे से चला रहे हैं अपन? सिर्फ अपन को यही काम करना है, कर्जा लेना है और अपने और आगे बढ़ना है, ये काम है। कोई विकास नाम की चीज़ नहीं होगी। सड़कों की, शहर की सड़कों की हालत देख लीजिए, मध्य प्रदेश की यात्रा तो नहीं करता था। रोजगार की बात करें तो आपको क्या लगता है, आप चूंकि एक संस्था के अध्यक्ष भी हैं, तो आपको क्या लगता है रोजगार की सरकार की तुलना में इस सरकार ने कुछ बेहतर किया या और उससे खराब हो गया? अरे वो तो जो कमलनाथ जी छोड़ गए थे उसी का अनुसरण इन्होंने कर लिया। कोई नई बात बता, मैं कह रहा हूँ ना, नई बात बता देना, ये तो नया कुछ इन्होंने किया हो तो कुछ भी नहीं किया। यहाँ सतीश जी ने जो बात कही है, आप भी समझ रहे होंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ है कि एक तरफ सारी चीज़ें दिख रही हैं, आपको समझ में भी आ रही हैं कि साहब ये गलती है, रोज़गार नहीं मिल रहा है लोगों को, और राज्यपाल के अभिभाषण में इसकी बात भी नहीं कर रहे हैं आप। नहीं, प्रकाश जी, महामहिम जी के भाषण में इस सारी बातों का उल्लेख है विस्तार के साथ है कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना मध्य प्रदेश सरकार की अपनी प्राथमिकता है। और यही तो बात है ना कि प्रस्तावित है या प्राथमिकता है, ऐसा करेंगे। बहुत पहले आपको याद हो 80 के दशक में मेरा कहना है कि इन सब पर विस्तृत रूप से जो सच्चाई है, जो बातें हैं, या तो माननीय मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं, विभागीय मंत्री बता सकते हैं। पार्टी के पास तो जितना आता है पार्टी अपनी तरफ से उतनी बात रख सकती है ना। हम लोगों के पास आता है कि ये विधानसभा प्रस्तावित है इस तरह के, हम लोग अपनी बात, क्योंकि उसके अंदर में जो है वो तो जो विभाग में लोग हैं आप उनसे पूछिए तो ज़्यादा बेहतर जवाब देंगे। नहीं, पर रोजगार नहीं मिल रहा है और जो था वो भी आपने ख़त्म कर दिया है, तो लोगों की तो इस पर चिंता भी है, नाराज़गी भी है कि भाई ये मतलब शिवराज जी को क्या हो गया, और बोल भी रहे हैं कि अब मैं पहले वाला शिवराज नहीं रहा, बदल गया हूँ। आज खुद कमलनाथ जी ने कहा, कहने लगे मैंने तो अखबारों में पढ़ा तो मैं तो डर गया बुरी तरीके से, फिर बाद में समझ में आया। हालांकि शिवराज जी ने तत्काल खंडन किया कि नहीं, इस तरीके की उत्तेजना या ये मेरे स्वभाव में नहीं है। तो जब वो खुद खंडन भी कर रहे हैं, इधर फिर वो बदलने की भी बात कर रहे हैं। देखिए प्रकाश जी, कई बार होता है जब हम लोग जनता के बीच में कोई बात रखते हैं तो स्वतः ही कई बार निकल भी जाते हैं, लेकिन ये सर्वविदित है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बेहद संवेदनशील जननेता हैं, जननायक हैं, और सदैव लोगों के आगे बढ़कर के मदद करने की इच्छा रखते हैं। और शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव में जाती है उनका चेहरा आता है, तो जनता अगर हमसे नाराज भी होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे को सामने जब आता है
तो सारी परिस्थितियां पलट जाती है। मध्य प्रदेश में रोजगार को लेकर के इसमें कोई संशय नहीं है कि हमको अभी काम करने की बहुत आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि सरकार को इस पर इस बार हमको फोकस करना चाहिए, क्योंकि मेरे मध्य प्रदेश का अगर नौजवान अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो मध्य प्रदेश की भी अपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर नाक कटती है और हमारे लोगों का मनोबल भी टूटता है। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर्याप्त भौतिक संपदा है, पर्याप्त प्राकृतिक संपदा है, अनेक अवसर हैं, हम युवाओं को रोजगार से जोड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि इस पर कोई विशेष कार्य योजना बनाकर सवाल ये है कि आप जोड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर दिख नहीं रहा ना कुछ भी। देखिए प्रकाश जी, मैंने कहा ना कि अभी उस पर उतना काम नहीं हुआ जो अपेक्षित होना चाहिए था। मुझे लगता है कि इन सारी बातों पर इस कोरोना काल से निकलने के बाद हमारा पूरा फोकस कृषि, कृषि की अर्थव्यवस्था और युवाओं को रोजगार, इन सब बातों को लेकर के ही होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो उनका जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं टूटेगा और ये युवाओं के लिए और मध्य प्रदेश के दोनों के भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। पर चेतन जी, ले दे के बाद वहीं आ जाती है कि जैसे आज नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि आप घोषणाएँ तो खूब करते हैं, जैसे आपने कहा भू माफिया को और अवैध खनन माफिया को जमीन में गाड़ देंगे, 10 फीट नीचे गाड़ देंगे, आज जो है वो उस पर नेता प्रतिपक्ष ने कटाक्ष भी किया कि भाई वो तो बीजेपी के ही लोग हैं, और ये बात और कोई नहीं कह रहा है, आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, कृषि मंत्री कमल पटेल पत्र लिख रहे हैं कलेक्टर को कि साहब अवैध उत्खनन हो रहा है, उसके बाद भी जब मंत्री की नहीं सुनी जा रही तो आम आदमी कार्यकर्ता की क्या सुनी जा रही है। देखिए प्रकाश जी, अभी जिस प्रकार का इस सारे प्रदेश में घटनाक्रम है, मुझे लगता है कि जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है या भारतीय जनता पार्टी का भी जो छोटा कार्यकर्ता है, कहीं ना कहीं अधिकारी उनकी बातों को सुनने से गुरेज तो बरत रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और सरकार अगर कहती है कि इस तरह के माफियाओं पर कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से सरकार को भी इस बारे में विचार करना चाहिए कि ऐसे अधिकारियों का क्या इलाज हो सकता है। मैं उस सरकार में नहीं हूँ, नहीं तो मैं उसका भी क्या इलाज करें। आप देख रहे हैं 3,500 ट्रांसफ़र कर दिए, इसके बाद भी अगर टेरर नहीं है, आप देख रहे होंगे कि एक के बाद एक दुर्घटनाएँ होती जा रही हैं, जहरीली शराब बिक रही है तो बिकी रही है, जो आबकारी विभाग के में अफसर हैं, जो वरिष्ठ पदों पर हैं, वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मंत्रालय में जो प्रमुख सचिव बैठी हुई दीपाली रस्तोगी, अब उनकी ये हालत है, कहने को आबकारी विभाग की वो प्रमुख सचिव हैं, उन्होंने अपने कक्ष के बाहर लिखवा रखा है जनता से आगंतुकों से मिलने का समय 1:15 से 1:30 बजे तक, 15 मिनट मिलती हैं। देखिए प्रकाश जी, ये सारी बातें सरकार के माननीय मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी के संज्ञान में आना चाहिए। मंत्रालय में बैठी हुई हैं, वहाँ तो खुद मुख्यमंत्री जी बैठ रहे हैं, वहाँ अगला ये लिखवा रहा है कि मिलने का समय 15 मिनट, जनता से मिलने के लिए सिर्फ दिन में 15 मिनट है, बाकी किसी प्रमुख सचिव के यहाँ 1 घंटे से कम का समय नहीं है। इस प्रकार उनके यहाँ ये लिखा हुआ है कि 15 मिनट में मिलो और निकल लो यहाँ से, इस प्रकार के अधिकारी, और वो भी एक आदमी नहीं कई होंगे उसमें जब मिलने आएंगे तो। मैं बता रहा हूँ ना, इस प्रकार के अधिकारी जो अभी भी अपने को अंग्रेजों की मानसिकता के साथ जोड़ करके चलते हैं, इनका इलाज होना चाहिए। मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ और मुझे लगता है कि कलेक्टर हो, SP, किसी भी रैंक पर अगर जनता की आवाज़ सुनने का अगर आपको समय नहीं है तो सरकार में काम करने का भी आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। मैं भी आपकी ही बात का समर्थन कर रहा हूँ प्रकाश जी, और करना भी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। जो जनता की बात नहीं सुन सकते, जो गरीब जनता के समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, अगर मेरे मुख्यमंत्री 16 घंटे 17 घंटे काम करते हैं, दिन रात यही सब सुनते हैं और अधिकारी नहीं सुन रहे तो कैसे चलेगा। मुझे लगता है ऐसे लोगों को हटाना चाहिए। बताइए साहब सतीश जी, आपकी क्या टिप्पणी है कि एक तरफ मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि मैं 16 घंटे काम कर रहा हूं, आप कम से कम 12 घंटे नहीं 10 घंटे तो काम करो। नहीं, मैं चेतन सिंह जी की वेदना से सहमत हूँ भी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री जी वास्तव में काम कर रहे हैं, 16 घंटे 18 घंटे काम कर रहे हैं और वो बराबर पेशेंस बनाए हुए हैं, ये भी कोई दो राय नहीं है कि वो पेशेंस को अपना खो देते हैं। लेकिन अधिकारी जो हैं, ये अधिकारियों ने एक कागज बना लिया है, वो अब अधिकारी जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल है, वो सुनने को तैयार नहीं है आपकी बात को, वो मानने को तैयार नहीं है, उनको जो जिस तरह से सही लगता है युक्तिकरण वो उस हिसाब से कार्य करते हैं। अब इसमें व्यवधान ये है कि आपको अर्जुन सिंह पैटर्न अपनाना पड़ेगा, 1-2 IAS को सस्पेंड करेंगे अपने आप गाड़ी लाइन पर आ जाएगी, कड़े निर्णय तो आपको लेना पड़ेंगे ना, उसके लिए आप बिचकते हैं कि साहब नहीं हम ये नहीं ले पाएंगे, आप एक दो डिसीजन लेके देख लीजिए आप,
कोई अधिकारी आपकी नाफरमानी कर रहा है, सस्पेंड करिए आईएएस को, आप दो आईएएस आपने सस्पेंड कर दिया, आप देखिए तमाशा क्या होता है मध्य प्रदेश के अंदर, हर अधिकारी मान्य तैयार हो जाएगा। अब आप ये कह रहा हो था हम 10 फीट गाड़ देंगे और माफिया खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, अरे भाई ये काम प्रशासन का है ना कि राजनेताओं का, मैं मुझे बताइए आप। लेकिन या मैं आपसे जानना चाहूँगा चेतन जी कि ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, आप खुद देख रहे होंगे कि पीएमओ और ख़ास तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि एक बाबू तय नहीं कर सकता कि हवाई जहाज कैसे उड़ाना है, यानी टेक्निकल चीज़ों पर उनका भी भरोसा उठ गया है कि ये कौम या ये जो वर्ग है ये नहीं कर सकता काम। क्या मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी को नहीं अभी लाइन ये वाली समझ में आई है, या फिर ये एक दबाव है उनके ऊपर के नहीं भाई इनको तो सबको झेलना ही पड़ेगा, भले ही नाकारा हो निकम्मे हो सबको झेलो, ऐसा नहीं कि सभी ऐसे निकम्मे हो, कई आईएएस अफसर तो वाकई बहुत अच्छा बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग, अगर अच्छे लोग नहीं होते तो सिस्टम ही चलता कैसे। मेरा ऐसा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सहृदयता का जो नाजायज फायदा उठा रहे हैं उनको इस तरह के अपने व्यवहार से बचना चाहिए, क्योंकि हर चीज की एक सीमा होती है और अगर सीमाएं जब खत्म होती हैं तो फिर विनाश होता है। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बारे में इस तरह का विचार करें, बेहतर है आप सुधर जाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी जो है निश्चित रूप से जनता की जन अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती, इसको लेकर के कोई संशय नहीं है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सारी सरकार, मेरी सरकार नहीं सारी सरकारों से निवेदन करता हूँ कि जब ये बाबूगिरी ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से जो नए नए कानून बनकर के आते हैं इसका जनप्रतिनिधियों को अध्ययन करना चाहिए। छोटा सा उदाहरण दूंगा, जैसे गरीबी रेखा का राशन कार्ड है, सबसे पहली प्राथमिकता जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं सबसे बड़ी दुविधा इसी को लेकर के आती है कि गरीबी रेखा के जो राशन कार्ड के प्रकार जो नियम है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 99.9% राशन कार्ड तत्काल प्रभाव से कैंसिल आपको करने पड़ेंगे। तो हम नियम इस तरह का क्यों बनाते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी बना करके लाती है। ये जवाबदारी भी तय होना चाहिए कि अगर इस प्रकार के नियम बना करके जो भी लाएगा तो उस पर अब शिकंजा कसेंगे, क्योंकि ये नियम ऐसे बनाते हैं कि उन नियम में काम नहीं होता, फिर लोग परेशान होते हैं, पैसा खाते हैं। फिर बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही है आपने, आपको भी पता होगा कि 2 साल तक एक जिसको कहें बैचलर मतलब स्नातक स्तर शिक्षित युवती सिर्फ इसलिए घूमती रही कि एक बाबू ने उसमें ये लिख दिया कि 12वीं पास नहीं है इसलिए इनको नौकरी नहीं दी जा सकती, और आरक्षित वर्ग से थी वो युवती, 2 साल तक वो नौकरी के लिए घूमती रही जबकि ग्रेजुएट थी वो, और ग्रेजुएट होने के बाद भी उसमें ये लिख दिया कि 10वीं के बाद ये सीधे पॉलिटेक्निक से वहाँ पहुँच गई, तो 12वीं नहीं की है इन्होंने। अब आप बताइए कि मतलब जिसने ग्रेजुएट कर लिया हो उस पर 12वीं का एक पेज फंसा के उस बाबू ने जो है पूरा 2 साल तक उस युवती का भी मानसिक तौर पर पूरा शोषण किया, और दूसरी तौर पर आपकी व्यवस्था की कलाई भी खुल गई, पर उस बाबू पे कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। प्रकाश ये क्या दिखाता है? प्रकाश जी मैं सच कहता हूँ, कई बार इन सब सिस्टम को झांको तो आपके अंतरात्मा रोने लगेगी, लेकिन ये नहीं सुधर सकते। पता नहीं हिंदुस्तान में वो कब ऐसा दिन आएगा कि गलती करने वाले को भी तत्काल सजा मिलेगी, नहीं मिलती है। और यही कारण है कि न्याय पाने वाला अन्याय के लिए नहीं, न्याय के लिए भटकता है, और अन्याय करने वाला न्याय लेकर के बाहर घूमता रहता है। ये इस देश की विडंबना है, मैं भी कह लूँ आप भी कह लो, उससे होता कुछ नहीं है। निश्चित रूप से एक ऐसा स्थान हमको तय करना पड़ेगा, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कि जो सच है वो सच हो, और जो इस तरह के अपराध करते हैं सोचा समझा वो अपराध करने वाले आदमी पे हम कार्रवाई नहीं कर पाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य सिस्टम का क्या होगा। और जब तक इस तरह के सिस्टम नहीं बदले जाएंगे तब तक इस प्रकार के लोगों पर हम लगाम नहीं लगा पाएंगे। बहुत बढ़िया बात आपने कही है, बड़ी बेबाकी से, ऐसे बहुत कम नेता होते हैं जो वाकई सिस्टम पर जो गड़बड़ियाँ हैं उनको सामने उजागर भी कर सकें और उन पर अपनी राय भी रख सकें। वाकई आपको इसके लिए साधुवाद, और हमारे दर्शक भी ये जानते हैं कि चेतन सिंह जी जब आएंगे स्क्रीन पर तो वो जो सही है उसको तो कहेंगे ही, और बात होना भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सुशासन के लिए जानी जाती है। सतीश जी अंतिम सवाल यहाँ आपसे कि सुशासन आया क्या? पार्टी ने तो कहा था पर सरकार में दिखा क्या आपको सुशासन? ये कहाँ छुपा बैठा है? अभी कहाँ अपतरित हुआ, 16 वर्ष हो गए सरकार को आए हुए, वो बड़ी आशाएँ आकांक्षाएँ थी लोगों को कि भाई ये केडर बेस्ड पार्टी है, इसमें चाल है, चरित्र है, इनका चेहरा है, वो कहाँ है सुशासन? आप मुझे एक दो ऐसी बता दें मिसालें कि भाई हम मान लें कि हाँ साहब ये सुशासन आ गया इस मामले में, तो उसमें तो अभी बहुत पीछे हैं ये लोग। हाँ ये मैं मान सकता हूँ कि इनके कर्मठ लोग हैं, चेतन सिंह जी जैसे कई जुझारू हैं युवा,
जिनको कि आगे लाना चाहिए, इनसे इनका उपयोग करना चाहिए, इनसे काम लेना चाहिए, तो वो संगठन कर रहा है बेचारा अपना। लेकिन जो सरकार को जो काम करना चाहिए वो सुशासन वाली बात तो अभी मेरे ख्याल से, जैसे आपने उदाहरण दिया वो बच्ची का, अरे भाई वो बाबू क्यों दोषी है उसमें? वो बाबू ने जब फाइल बढ़ाई तो बड़ा बाबू दोषी क्यों नहीं है? वो क्या चश्मा बांधे हुए था? अंडर सेक्रेटरी दोषी क्यों नहीं है? सिक्योरिटी दोषी क्यों नहीं है? अगर एक एक आदमी ने गलती की है, इसका मतलब पूरे चैनल ने गलती करी। सवाल ये ना, तो सुधार की आवश्यकता जो है यही दिख रहा है ना, ये सुशासन क्या लाएगा क्या इसको? और वो तो ये बच्ची जागरूक थी, उसने बराबर प्रयास किया, भागा दौड़ी की, दो साल तक उस बेचारी परेशान हुई, शासन काल में ही उसके साथ ये अन्याय हुआ और दोबारा बीजेपी आ गई। और फिर उसने ये इंगित कर दिया कि भाई मैंने अगर 12th नहीं किया तो मैंने ग्रेजुएशन तो किया है ना, तो 12th से बड़ा तो ग्रेजुएशन होता है ना, इस बात को तो स्वीकार कीजिए ना आप। और बाद में आप स्वीकार कर रहे हैं अधिकारी के, हाँ ठीक है गलती हुई है हमसे, बस गलती के कह दिया आपने, उसका 2 साल का कैरियर बर्बाद कर दिया, उसकी 2 साल की सीनियरिटी मारी गई, उसकी 2 साल की सैलरी मारी गई, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी? कोई नहीं, सुशासन के सूचक है क्या ये? तो ये इसको गंभीरता से चिंता मनन की आवश्यकता है, और सरकार को और संगठन को इस बात पर आवश्यक ये है कि वो उसको संगठन जो है इस पर मनन करे, और मनन करके वो अपने जो संगठन जो है अपना परामर्श दे सरकार वाले जो लोग बैठे हैं उनको कि भाई इस तरह से सुशासन आ सकता है। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बात जनता की करें निसंदेह उसे सुशासन चाहिए, बात विपक्ष की करें तो आज कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में न केवल प्रदेश हित की बात की है बल्कि जनहित की भी बात की है। उन्होंने आरोप प्रत्यारोपों से परे कुछ ऐसे तथ्य भी इंगित किए हैं जिन पर सरकार शायद आने वाले समय पर ध्यान दे। वो ये भी देखे कि मध्य प्रदेश से जुड़े हुए लोग हों, उन्हें कितना रोजगार मिल रहा है, उन्हें सरकारी योजनाओं का कितना फ़ायदा मिल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं जो लूट कमलनाथ सरकार के समय मची हुई थी वही लूट अभी भी जारी हो, कि बाहर से लोग आएँ और लूट पाट के ले जाएँ और नेता बस गाल बजाते रहें। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर, न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ।